नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के शहरी गौठान में आयुक्त और महापौर सहित एमआईसी सदस्यों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनेकों फलदार छायादार और औषधि के पौधों का रोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के शहरी गौठान में विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर निगम महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे विशेष तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही निगम भिलाई के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इस दिन विशेष पर पौधों का रोपण किया और भिलाई क्षेत्र सहित वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पर्यावरण को बढ़ावा देने, वृक्षों का रोपण करने आम जनमानस से अपील की और स्वयं संकल्प भी लिया। निगम क्षेत्र के शहरी गौठान में पौधों को वृक्ष बनाने कई नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें मटकों के माध्यम से टपक सिंचाई व्यवस्था बनाई गई है, जिससे धीरे धीरे बूंद बूंद कर पानी सीधे पौधों तक जाता है और पौधों की नमी बरकरार रहती है, जिससे वृक्षों का संवर्धन सुनियोजित तरीके से हो पाता है। देखिए माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय और MIC सदस्यों ने मिलकर जो है बादाम और गुलमोहर, महानीम, तपेदिया, स्टोपीडिया और नीम जैसे पौधे का रोपण किया गौठान में। और इसके साथ ही जो संदेश देते हुए गुब्बारा छोड़कर जो संदेश है, सांसें हो रही कम और पेड़ लगाए हम, इस टाइप का संदेश जो है प्रसारित करने के लिए गुब्बारे के माध्यम से संदेश दिया गया। और इसी के साथ ही हमने एक नई पद्धति और नवाचार अपनाते हुए जो हमारे प्लांटेशन है, अभी चूँकि भीषण गर्मी है और कोई ऐसा बारिश होने की संभावना अभी तक काकतौरिक नहीं दिख रही है, मानसून आने को थोड़ा समय जो हो सकता है, उसके तहत में एक हमने मटकी को ड्रिप इरिगेशन का माध्यम बनाया है। देसी मटकी जो जिसको हम नीचे से छेद कर देते हैं और जो पौधे हम लगाते हैं उसके बगल में हमने इस टाइम भी नवाचार अपनाते हुए मटकी को डाला है और उसमें हम पानी देते हैं, जड़ में पानी पहुंच जाता है और 75% पानी की बचत इससे होती है। अब जितनी ज़रूरत सिंचाई की और पानी की पौधों को होनी चाहिए वो उनके जड़ों को मिल जाता है। वातावरण के बिगड़ते संतुलन को अगर बनाए रखना है तो जरूरी है कि हर व्यक्ति पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कार्य करे और हर वर्ष एक पौधा रोपकर उसकी देखभाल कर वृक्ष में तब्दील करे, ताकि आने वाले समय में बीते समय की तरह ऑक्सीजन की कमी का दंश न झेलना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।